तो कोरोना के लौटने की आशंका तो है, मगर यह भी सच है कि हम इसे हरा सकते हैं। बस जरूरी यह है कि सावधानी बरती जाए। सीधे आपको लिए चलेंगे का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धियां हुई हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जन के हित में जो नीतियां और कार्यक्रम और योजनाओं का शुरुआत हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच स्पष्ट है कि एक स्वस्थ भारत और एक शिक्षित भारत, इसी के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभरने की पूर्ण क्षमता रखेगा। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प रहा है कि हेल्थ केयर को हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में परिवर्तित करें, और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई जो एक सोच और विचारधारा भारत की सदैव रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था, और उसी के आधार पर एक जो अभियान चलाई गई वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही, दो दो वैक्सीन का आविष्कार किया, और केवल दो दो वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज चार चार टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, जायकोवी डी की बात करें, कॉर्बीवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। एक तरीके से एक संकेत स्पष्ट रूप से पहले दिया जाता है, जब राशि का आवंटन उस क्षेत्र के लिए किया जाता है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए पिछले 8 वर्षों में, जहां 2013-14 में करीब करीब केवल 33,280 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया था, आज 150% वृद्धि करके 83,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए रखा गया है। केवल ये नहीं, लेकिन हमारी सोच है
कि हेल्थ को क्यूरेटिव के अलावा प्रिवेंटिव भी हम लोगों को बनाना होगा, और उस क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव तक का सफर में योग और आयुर्वेद का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व योग दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्मित किया जाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसी के साथ साथ चाहे हमारी अनेक दूसरी नीतियां हों, चाहे हम देखें कि स्वच्छ भारत का मिशन हो, हर घर नल योजना का मिशन हो, और इसी के साथ साथ पोषण अभियान का मिशन हो, इससे भी बीमारियों की घटनाएं भी और प्रतिशत भी देश में घटी। हमारी स्वास्थ्य की नीति चार मुख्य स्तंभ पे रखी गई है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अश्योर्ड क्वालिटी और डिजिटल डिलीवरी। तो पहले मैं हेल्थ केयर का घर घर तक पहुंचाना मतलब एक्सेसिबिलिटी की बात करता हूं। आयुष्मान भारत योजना भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके चार भाग हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश में पहला भाग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना योजना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमा की योजना आज बन चुकी है। 10 करोड़ परिवार मतलब करीब करीब 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी आज हो चुके हैं, और 21 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण भी हुआ है, और 22,000 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका दूसरा भाग है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जहां बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है। आज देश में 1,31,000 ऐसे स्क्रीनिंग सेंटर्स आज पूर्ण रूप से क्रियान्वित है, और इसी के साथ साथ जो स्क्रीनिंग किया जाता है वो उच्च रक्तचाप का, मधुमेह का और कैंसर का, इन तीनों का स्क्रीनिंग भी अतिरिक्त किया जाता है। तीसरा भाग है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अभीम, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 64,000 करोड़ रुपए 2021-22 से चार वर्ष 2025-26 तक आवंटित किए गए। इसका चौथा स्तंभ है हमारा मानव संसाधन, और हमारा मानव संसाधन में हमारी आशा की कार्यकर्ताओं जो एक जीवन दयनी का कार्य करती है, आज देश में करीब करीब 9,94,000 आशा की हमारी कार्यकर्ता हैं, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है दवाइयों के वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है रक्त का वितरण के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री ये कहते हुए कोरोना के खतरे पर सरकार सतर्क है, अलर्ट मोड पर है, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, कोरोना का हम पहले मुकाबला कर चुके हैं और एक बार फिर से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत ने कोरोना में दूसरे देशों की मदद की है, वैक्सीन उन्हें मुहैया कराई हैं,